और उस परिवार में खासकर एक चीज रहती है कि सबसे पहले प्रभु की भक्ति और उसके बाद में समाज की भक्ति, समाज की सेवा, समाज की धरोहर चली गई है। लोगों ने दिल्ली में इसको निभाते हुए आज वो धरोहर भी बच गई और आज का आपका आज की तारीख में किराया भी सुरक्षित है, आपकी सारी धरोहर भी सुरक्षित है। आपने जो मेरे पर विश्वास किया था उसका मैंने तहे दिल से उसकी अनुपालना की। अनुपालना करते करते के बाद आज मेरे को उम्मीद है प्रभु से, मैंने परमात्मा का दूसरा रूप दिया, आज ये आदेश भी दे, भगवान के बाद में दूसरा आप समाज है, ये समाज आज की सेवा की है, मैंने अपना दायित्व तो समझा है, मेरे को कभी भी इस चीज की लाज, एक छोटा सिपाही की तरह आपकी सेवा में नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे खून में समाज सेवा और भगवान की भक्ति मैंने करते हैं। लेकिन आज पता लगना चाहिए, आज हमें फक्र होना चाहिए, चौरासिया को भी महाकुंभ होने लग रहा है और दिल्ली एनसीआर में होने लग रहा है, वो फैसले भी लेती है और वो आदेश भी करती है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ ज्यादा ना बोल, चाहे कोई भी पक्ष विपक्ष कोई नहीं होता, और आप लोग जब भी कोई आपसे पूछे कि भाई आप उस निर्णय में शामिल, हम साक्षी हैं, उस का सहयोग करना हमारा परम कर्तव्य है, जिससे समाज आगे और शक्तिवान बन पाएगा। निस्संदेह ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति और व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना हमारा परम फर्ज है और कर्तव्य। मेरे बुजुर्ग और जो रिश्तेदार रहे, और ये जो मंच पे सभी लोग महानुभाव बैठे हैं, सभी लोगों का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि मुझे भी यहाँ आज आने का मौका मिला। आप लोगों ने ये महाकुंभ करा, बड़ा रही सही ये गलतियाँ तो देखो इन, लेकिन हमने पुलिस की रोटी खाई है, कभी हलाल नहीं करना चाहती हूँ, हर तरह की बातें आ गई, लेकिन वहाँ ईमानदारी से पापा ने 5-5 किलो सोना पा, अगर उस टाइम पे कहते मैं 10th भी होता तो एस भी होकर रिटायर होके आता। तो हम तो उस परिवार से हैं कि हमेशा आगे बढ़ने की सोचेंगे, लेकिन मैंने सोच लिया सीए करा है, डिलाइट कंपनी में मेरी लड़की होगी है, और जरूर पूछेगा लास्ट में मेरी बेटी ने फाइनल करा, तो मैं आप लोगों को ज्यादा कृष्ण भगवान धन्यवाद। राजकुमारी जी एक ऐसे परिवार से संबंध रखती है, नगली गोदा का परिवार, आदरणीय श्री राम युवा साथियों मंच पे विराजमान, मेरे सामने विराजमान, मैं तो देख पा रहा हूँ अपनी बिरादरी की सारी क्रीम तो यहाँ प्रयास से मुझे बिरादरी की सेवा करने का और राज्यसभा ने मुझे दिया, मेरा कार्यकाल 2 वर्ष का। और श्री समय सिंह जी भूमिका से, बलवान सिंह जी, मदन लाल जी, और वकील साहब तरुण जी, श्री अटल भारद्वाज, श्री अटल भारद्वाज जी और सुभाष जोशी जी, आज चुनाव अधिकारी महाराज मेरा नाम दमन शर्मा है, मैं गुड़गांव में अधिवक्ता हूँ, ये मेरे जीजा जी हैं प्रथम जी, ये भी गुड़गांव कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और हम इस परिवार का हिस्सा हैं। ये सतबीर जी तो प्रधान बने हैं अभी, उनके दामाद हैं और मैं उनके भाई का बेटा हूँ। किस तरह से देखते हैं आप युवाओं के लिए, अब कितना आई थिंक अब बहुत कम लोग हैं जो युवा हैं और सामाजिक काम में जुड़ रहे हैं, मेरे ताऊ जी युवा भी हैं और सामाजिक काम में जुड़ भी रहे हैं, हमें सिखाते भी, हमें बताते भी हैं समाज में क्या सही है क्या गलत है। अगर परिवार का कोई हिस्सा है, परिवारिक का कोई आदमी है जो एक लेवल पर पहुँचता है, एक समाज का प्रतिनिधित्व बनता है, तो वो हमें मोटिवेशन देता है कि किस तरह हम भी आगे जाकर समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रधान नया नहीं है जी, प्रधान तो पहले इनको चुन दिया गया था, आज समाज के द्वारा इनको घोषित किया गया है कि हमारी तरफ से सतबीर शर्मा और पीटू हमारे 84 ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए, पूरे समाज ने इकट्ठा होगी, 2009 इकट्ठा होगी, घोषित किया है।
किस तरह से हम समाज के युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। पहले भी युवा से जुड़े हुए हैं, असल में मेरे फादर पहले प्रधान थे, सदवीर भाई साहब के साथ रहते थे हमेशा, एक एक गांव एक एक बराजी घर पर जानते हैं मेरे भाई साहब, और बहुत अच्छा काम करेंगे, पूरा विश्वास है। युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए घर में युवाओं के लिए खुद युवा है, वो खुद जाएंगे, वो आज भी जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिट है बिल्कुल, युवाओं के लिए वो आगे ले जाएंगे, युवाओं के लिए जाएंगे आगे समाज काम करेंगे। मेरा नाम राजबाला शर्मा है, मैं सिलोकरा गांव साउथ सिटी से हूँ और मैं बीजेपी की सह प्रभारी हूँ फरीदाबाद से। तो मेरे जेठ जी हैं सतवीर जी, ये समाज के लिए ब्राह्मणों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो कि जैसा काम और अभी तक जो भी प्रधान बने उन्होंने नहीं किया। ये गांव-गांव जाके प्रधान मेंबर भी बनाते हैं, जागरूक करते हैं, और दूसरी बात जो महिलाओं की और जेंट्सों की जो भी समस्या होती है हमारी बिरादरी की, इनके घर पे ही उनका समाधान निकलता है। तो ऐसे प्रधान को चुनना चाहिए जो कि समाज के बीच में रहे, ऐसे प्रधान को नहीं चुनना चाहिए जो समाज में किसी ने उनको देखा नहीं, नहीं कोई काम किया। तो आज हमारे समाज ने इन सतवीर जी को चुन के बहुत अच्छा कार्य किया, समाज से बड़ा कोई नहीं है। ब्राह्मणों की सबसे पहले सभी 84 ब्राह्मणों की एकता पे काम करूंगा, सबसे मिलके झुलके काम करूंगा। जो भी समाज ने मेरे को जिम्मेवारी दी गई है, मैं अपने विवेक से सभी के से मिलजुल के और उसको निपटाने की कोशिश करूंगा। कोई तरह की किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जो भी दूसरे ब्राह्मण भी हैं हम उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और इस ब्राह्मण के सभी क्षेत्र को अच्छी तरह से सुदृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने आपके ऊपर विश्वास जता है, आप उस विश्वास को कैसे पूरा करोगे और ब्राह्मणों के बच्चों के लिए शिक्षा सशक्त और क्या सहयोग करोगे? गरीब ब्राह्मणों के लिए शिक्षा के लिए हम उनके लिए जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस का वहन हम करेंगे, जो कमजोर बच्चे हैं जो शरीर से कमजोर हैं उनकी हम अस्पताल की सुविधा का कोशिश करेंगे, और जो भी हमारे समाज में जो हमें बताया जाएगा भाई ये कमियां हैं हम उसके पूरी करेंगे, और एकता के सूत्र में पूरे समाज को बांधने की कोशिश करेंगे, और राष्ट्र निर्माण में एक अहम भूमिका हमारी रहेगी।